हेलो बच्चों, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल लर्निंग आउटकम्स। आज हम देखेंगे प्रकाश के बारे में। प्रकाश क्या होता है? प्रकाश एक ऐसी हमें देख लेते हैं ना, हमें कोई वस्तु दिखाई देती, अंधेरे कमरे में हमें दिखाई नहीं देता है। प्रकाश एक ऐसा माध्यम है जिससे कि कोई वस्तु हमें दिखाई देती है। तो प्रकाश जो हमने पढ़ा था पिछले साल, तो क्या पढ़ा था? प्रकाश कितने रंगों से मिलकर के बना है? सात रंगों से। हमने प्रिज्म में सात रंग देखे थे ना, प्रिज्म में हमने धूप के प्रकाश में सात रंग देखे थे। कौन कौन से थे सात रंग? लाल, पीला, हरा, नीला, जामुनी, बैंगनी। प्रकाश के सात कलर होते हैं, हमने ये पढ़ा भी था और सात कलर हमने देख भी लिए थे कौन कौन से हैं। फिर हमने एक पोयम भी पढ़ी थी, एक छोटी सी कविता पढ़ी थी, क्या थी? सात रंग से चार दिन और अंधेरा, मेरे बिना चहूं और अंधेरा सबका बुरा हुआ। एक लाइन पढ़ी थी, फिर भी चलता सीधी चार। प्रकाश कैसे गमन करता है? इसके लिए हम एक प्रैक्टिकल करेंगे। अभिलाष, प्रैक्टिकल में हमने क्या किया बताओ? हमने यहाँ से दो तीन छेद किए हैं कार्डबोर्ड बॉक्स में। अच्छा, कार्डबोर्ड के तीन गत्ते लिए, उनमें तीन छेद किए हैं। फिर हम एक हाथ से देखते हैं तो लॉ दिखाई देती है। अच्छा, उस तरफ से हमें लॉ दिखाई देती है। जरा देखो शिवम, लॉ दिख रही है क्या तुमको भी? यस मैम। हमने यहाँ पर तीन गत्ते लिए हैं और बराबर दूरी पे छेद किया हुआ है, और एक तरफ हम यहाँ कैंडल जलाते हैं और दूसरी तरफ से देखते हैं, तो हमें उस तरफ से भी लॉ दिखाई देती है। चलो अभिषेक देखो, चलिए हम भी देखते हैं आपके साथ आके। अलग होना जरा बेटा, इधर से देखें, दिख रही है क्या? हाँ, ये देखिए दिख रही है। जब हम इस तरफ से देखते हैं तो हमें ये लॉ दिखाई देती है। अच्छा, अब हम अगर इसके बीच में एक अलग छेद वाला जो समान दूरी पे ना हो और गत्ता लगा दे, तो क्या हमें ये लॉ दिखाई देगी? देखिए ये गत्ता है, चलो देख के बताओ। यहाँ आओ अंकुश, देखो क्या लॉ हमें दिखाई दे रही है? नहीं मैम, लॉ हमें दिखाई नहीं दे रही है। जब हमने यहाँ पर एक असमान दूरी वाला गत्ता लगा दिया तो हमें ये लॉ दिखाई देना बंद हो गई। इसका अर्थ है प्रकाश कैसे चलता है? सीधा सीधा गमन करता है। अच्छा, एक और प्रैक्टिकल से हम देख सकते हैं, किससे देख सकते हैं? पाइप से। पाइप से कैसे? जो सीधा रहेगा तो दिखेगा और टेढ़ा हो जाएगा तो नहीं दिखेगा। अच्छा, क्या इससे दिखाई दे रहा है? नहीं दिख रहा। और जब सीधा करते हैं तब? तो इस तरह हम ये प्रूफ कर सकते हैं कि प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में ही गमन करता है। अब जब प्रकाश के मार्ग में कोई वस्तु आ जाती है, जैसे मान लीजिए ये प्रकाश है हमारा, है ना, इसके मार्ग में हम कोई वस्तु रख देते हैं इस तरह से। ये मार्ग में हमने अगर मान लीजिए ये वस्तु रख दी, तो देखो इसकी छाया बन रही है क्या? है ना, ये देखो बगल में छाया बन रही ना, जिसको हम सामान्य भाषा में क्या कहते हैं? अपारदर्शी वस्तु कहते हैं। और बनने वाली छाया को परछाई कहते हैं। ये देखिए हमने हाथ रखा तो ये देखिए छाया बन गई, हाथ की छाया बनी। ये देखो हमने ये चौक रखी, चौक की छाया बन रही है। जिस मार्ग में जब कोई वस्तु आ जाती है तो उसकी छाया बनती है, परछाई बन जाती है, और वह वस्तु क्या कहलाती है? अपारदर्शी। और जिस वस्तु में से प्रकाश चला जाता है आग पर, क्या कहलाता है? पारदर्शी। पारदर्शी कहलाता है। और जिससे धुंधला जाता है? पारदर्शी। वेरी गुड, उसको क्या कहते हैं? पारदर्शी वस्तु कहते हैं। तो यहाँ पर आज हमने प्रकाश के बारे में इतनी चीजें जानी। प्रकाश एक माध्यम है जिससे हमें कोई वस्तु दिखाई देती है। प्रकाश सात रंगों से मिलकर के बना होता है। फिर हमने देखा कि प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करता है। फिर हमने जाना कि वस्तुएं तीन प्रकार की होती हैं, पारदर्शी, अपारदर्शी, अपारदर्शी। तो बच्चों, वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करें, और चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।